आजकल एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह का चलन बढ़ता जा रहा है। इन कार्ड्स पर आप अलग अलग तरह के लोगोज देखते होंगे, जैसे वीजा, मास्टर, रुपे वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वीजा, मास्टर और रुपे कार्ड में क्या फर्क होता है? सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीजा, मास्टर और रुपे कार्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली वीजा और मास्टर कार्ड में तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इंटरनेशनल कंपनीज हैं और दोनों के चार्जेस और यूसेज वगैरह भी सेम है। लेकिन जो डिफरेंस है वो वीजा या मास्टर और रुपे कार्ड के बीच में है। इनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि वीजा और मास्टर कार्ड इंटरनेशनल कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आप इन्हें पूरी दुनिया में जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। जबकि रुपे कार्ड एक इंडियन कार्ड है जिसको नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2012 में वीजा और मास्टर कार्ड की मोनोपोली यानी एकाधिकार को खत्म करने के लिए जारी किया था। दूसरा डिफरेंस ये है कि वीजा और मास्टर कार्ड के चार्जेस ज्यादा होते हैं जबकि रुपे कार्ड के चार्जेस काफी कम होते हैं। रुपे कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड के मुकाबले में 20-30% कम चार्जेबल होता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि वीजा और मास्टर कार्ड से आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं जबकि रुपे कार्ड से आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक इंटरनेशनल रुपे कार्ड भी जारी किया है जिससे आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। एक डिफरेंस ये है कि वीजा और मास्टर कार्ड को आप जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि रुपे कार्ड का इस्तेमाल आप 1,45,000 ATMs, 8,75,000 POS टर्मिनल्स और 10,000 से ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर कर सकते हैं। रुपे कार्ड 15 तरह के कार्ड जारी करता है जिसमें 3 क्रेडिट कार्ड, 6 डेबिट कार्ड, 1 ग्लोबल कार्ड, 4 प्रीपेड कार्ड और 1 कॉन्टेक्टलेस कार्ड शामिल होता है। रुपे एक ग्लोबल कार्ड भी देता है, इस कार्ड को आप पूरी दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रुपे ने एक और कार्ड जारी किया है, PMJDY कार्ड। इस कार्ड के जरिए भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सस्ती बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप वीजा कार्ड लें, मास्टर कार्ड लें या रुपे कार्ड लें, वो आपके बैंक से ही जारी किया जाता है। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वीजा, मास्टर और रुपे कार्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।